तो मैंने एक डेक्सटरिटी ग्लोबल नाम की एक संस्था है पटना में, जो जिसके माननीय श्री शरद विवेक सागर जी वो CEO हैं इस संस्था के। तो जब मैं 14 साल का था तभी मैं इस संस्था से जुड़ा, मैं संपर्क में आया। मैंने डेक्सटरिटी ग्लोबल के कई प्रोग्राम हैं, तो उसमें एक प्रोग्राम होता है CDP, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। मैंने उसमें अप्लाई किया और काफ़ी मेरा ये मतलब कि मैंने बहुत अच्छा किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसी प्रोग्राम के मतलब कि थ्रू मुझे कई मतलब कॉलेज रिसर्च, कॉलेज एप्लीकेशन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर बहुत सारे मिलते थे। महीनों मतलब कि हर महीने आते थे लगभग 40-50 के तकरीबन। तो उसी में मैंने रुचि के साथ में उसमें पार्टिसिपेट करता था हर समय। और फिर मतलब कि उसके बाद मैं उसे जब मतलब जब जब, जब ग्रेजुएट हुआ इस मतलब CDP प्रोग्राम से, तो मैं फेलोशिप प्रोग्राम में गया। और वहाँ से फिर उस प्रोग्राम में होता है कि आप अप्लाइंग कैंडिडेट हो जाते हैं, मतलब आप कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसी कॉलेज प्रोसेस मतलब उसी एप्लीकेशन के थ्रू, उसी प्रोग्राम के थ्रू मुझे जानकारी मिली कि मुझे भी ये अवसर मिल सकता है कि मैं भी विश्वविद्यालयों में मतलब कि अमेरिकी विश्वविद्यालय में या कहीं भी विश्व में मैं किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे यह मौका मिला, मुझे यह सपना देखने को बड़ा सपना देखने का मौका मिला कि शिक्षा के माध्यम से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। यही मेरी उपलब्धि है कि मुझे उस संस्था ने यहाँ तक मुझे सोचने का वो ख्वाब दिखाया कि आप अगर आपके पास शिक्षा है, टैलेंट है, हुनर है, अगर आप मेहनत करते हैं कंसिस्टेंटली और तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो वही मैंने अप्लाई किया तकरीबन 20 कॉलेजेस में, अमेरिकन 20 कॉलेजेस में, जिसमें से मेरा 2 में सिलेक्शन हुआ था। पहला था मेरा ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी, जिसमें उतनी पूरी छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, और लेकिन जो अंततः मैं जो